एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला वन में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारी जो आज की सीरीज़ है वो है आपकी जीके पर और जेएस पर, यानी कि जनरल अवेयरनेस पर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध किससे है। एगमार्क जो क्वालिटी बताता है, क्या बताता है आपका, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता से। जब आप किसी भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं आप, उसकी प्योरिटी देखते हैं। ठीक, कि वो क्या है, एगमार्क का साइन है यानी, तो क्या बताता है आपकी गुणवत्ता को बताता है। अगला देखिए, आर्सेनिक द्वारा दल प्रदूषण कहाँ सर्वाधिक है। ठीक, जो पाया जाने वाला वो कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में। ठीक, कहाँ पर आपका, पश्चिम बंगाल में। चलिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, कौन सा आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लगभग एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में आपका ये वाला क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल पूछ लिया जाता है। ठीक, आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। ठीक, चलिए, तो 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आपके क्या जाएगा, सन 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। जहाँ पर दूध से दही वाली चीज़ आएगी वहाँ पर हमेशा कौन सा एसिड होगा आपका, लैक्टो एसिड। कौन सा होगा आपका, लैक्टो एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका कहाँ से लिया गया है, USSR। कहाँ से, USSR से लिया गया, किसको आपके मौलिक कर्तव्य को। ठीक, चलिए, ध्रुव तारा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है बट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है आपके, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, ठीक है, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को, तो आपका किसको कहा जाता है आपका, उत्तरी तारे को कहा जाता है। चलिए अगला देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनवायरनमेंट वाले आपके चैप्टर से। ये क्वेश्चन जो है हमेशा इस पे से इस तरह में एक बार सन वगैरह जो पूछे जाते हैं सन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन जरूर आपको दे दिया जाता है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, यहाँ पर जो है वर्ष आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ था, आया था। फूलों की घाटी, फ्लावर्स ऑफ वैली, फ्लावर्स वैली कहाँ है आपकी, फ्लावर्स वैली उत्तराखंड में। ठीक, तो आपका सही उत्तर जाएगा उत्तराखंड के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको रिवीजन सारी चीज़ें कर लेनी है। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या, एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है आपकी, 206। ठीक, कितनी होती है आपकी, 206। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका है, आपका यहाँ पर एम्स्टरडैम, यहाँ पर कन्फ्यूज हो गई, एम्स्टरडैम। ठीक, एम्स्टरडैम नीदरलैंड की क्या है, राजधानी, नीदरलैंड में है। ठीक, एम्स्टरडैम में का किसका आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया के चरण के दौरान क्या होता है, डैश का क्या होता है और क्या अपचयन होता है, किसका होता है आपका, जल का। ठीक, जल का क्या होता है, जल का आपका होता है चरण के दौरान, हाँ, जल का और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। चलिए अगला देखिएगा, LPG के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, LPG के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि क्या सत्य नहीं है। तो या एक स्वच्छ ईंधन है, या एक ऊष्मीय मान है, या नीली ज्वाला से है, या मिथेन उत्सर्जन करता है। तो आपका LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है आपकी, कौन सी, LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसका क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, या क्या है, स्वच्छ ईंधन है बिल्कुल, क्योंकि ये पॉल्यूशन मुक्त है। चलिए, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्राणियों की उत्पत्ति एक रचना है जो किसकी है आपकी, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इसका क्या है, मेंडल। ठीक, इसका क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, इसका आपका चार्ल्स डार्विन की है। सॉरी फ्रेंड्स, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आपकी किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मकर रेखा जो है आपकी पूछा गया है, मकर रेखा क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी को पता है कि या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा जो जाती है, ये तो कर्क रेखा है हमारी, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। अब नॉर्थ आपका ऊपर है और साउथ आपका नीचे है, ठीक, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा और ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर सॉर्ट आउट करिएगा, 23.5 डिग्री क्या है आपकी, साउथ में है,
नॉर्थ आपका ऊपर वाला है, साउथ आपका नीचे वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर है? नीदरलैंड में, हेग। ठीक, हेग में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? किसने आपका, संविधान सभा ने आपके राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था आपने संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को क्या बना अपनाया था आपका राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। चलिए अगला देखिए। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित? पुष्कर मेला बहुत बड़ा मेला है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर लगता है पुष्कर मेला? राजस्थान में, उदयपुर में। ठीक, राजस्थान के उदयपुर में। चलिए अगला देखिएगा। पराबैंगनी किरणों से अधिक हानिकारक क्या है? जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती है, जिसको क्या होती है, आपकी ओजोन जो आपकी लेयर होती है वो क्या करती है, वो कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो उससे भी ज़्यादा आपकी खतरनाक कौन सी रेज है? यू, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो इसका आंसर होगा क्या आपका, अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का आपका, ठीक है, क्या है, अजैविक घटक नहीं है, अबायोटिक फैक्टर नहीं पूछा है, प्रोटीन, मृदा, कवक या फॉस्फोरस? तो आपका क्या आ जाएगा, कवक जो है, क्या है, अजैविक घटक आपका नहीं है। गिर, गिर परियोजना, अगला क्वेश्चन, गिर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिर परियोजना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ अवस्थित है। तो मैंने बताया था जी से क्या है गिर, और जी से क्या है आपका गुजरात। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपकी कहाँ पर है, गुजरात में। कौन सी आपकी, गिर परियोजना आपकी कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे ये। चलिए अगला देखिए। WWF से क्या आशय है? WWF से आशय पूछा है फुल फॉर्म, वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉर फंड? तो आपका क्या जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ। चलिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आप सभी को पता होगा इसका प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है। और ये ग्लेशियर होते क्या है फ्रेंड्स, ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के, क्या, बर्फ़ के बहुत बड़े क्षेत्र, जहाँ से क्या होता है। देखिए, हमारे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे भारत में दो तरह की नदियाँ क्या होती हैं, निकलती हैं। पहले तो आप, पहली तो इसमें है आपकी कौन सी, एक तो है आपकी, एक तो फ्रेंड्स आपकी है कौन सी, हिमालय नदी। चलिए यहाँ पर बता देती हूँ, इसका तो आंसर मैंने बता दिया आपको। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। दो तरह की नदियाँ हैं हमारे भारत में, ठीक, दो तरह की नदियाँ हैं। एक तो है आपकी कौन सी, हिमालय नदी, हिमालयी नदी, और दूसरी आपकी क्या है, प्रायद्वीपी नदी। ठीक, प्रायद्वीपी नदी। पहली जो आपकी हिमालय नदी जो है, ठीक, इनके स्रोत क्या होते हैं, वही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी पूछा गया था, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर आया वर्ड तो मैंने आपको बताया। जो आपकी हिमालय नदी है तो वो क्या है, ग्लेशियर से बनती हैं। ग्लेशियर मतलब, अब ये गंगोत्री कहाँ पर है, आपके भारत के जो है ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से में, यहाँ पर पूरी बर्फ ही बर्फ है, क्या है आपकी, बर्फ। तो ये बर्फ़ जब पिघलती है तो क्या करती है, नदियों में क्या होती है, पानी अपना छोड़ती है। तो ये वाली जो नदियाँ आपकी होती हैं वो सालों भर क्या रहती हैं, एकदम पानी से भरी रहती हैं। ठीक, यहाँ पर पानी की कोई, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है वो सारा पानी क्या होता है आपका, नदियों में जाकर क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। और जो आपकी प्रायद्वीपी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपी नदियाँ आपकी कौन सी हैं, जो पार्ट मैंने टू बताया वो आपकी क्या है, वो सारी आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ। अब दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ हैं आपकी, वो क्या है, आपके वर्षा के जल पे जो है डिपेंडेंट है। ठीक, वहाँ पर जब वर्षा होगी तभी नदियों में क्या रहेगा, पानी रहेगा। दक्षिण भारत की आपकी नदियाँ हैं कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक, ये तीन चार नदियाँ जो है ये आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। और आपकी जो ऊपर वाले नॉर्थ की जो नदियाँ हैं, हिमालय नदियाँ, इसमें आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर आती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। चलिए अगला देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण क्या करती है, मापती, प्रदूषण कौन सी मापन, प्रदूषण मापन वाली एजेंसी कौन सी आपकी, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर करिएगा, कौन सी है आपकी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो क्या करता है आपका,
एजेंसी जो है वो क्या थी, प्रदूषण को मापती है। चलिए कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी क्या है, जागृत एक्टिव ज्वालामुखी है, जो हमेशा क्या रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव ज्वालामुखी है, जो अवस्थित कहाँ पर है आपके, कौन सी में, एंडीज, ठीक, एंडीज पर्वत में, कौन सा आपके, एंडीज में। चलिए आप देखिए, एक तो क्वेश्चन यहाँ से और देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आया, क्रिप्स आंदोलन एक टूटते हुए बैंक कपर तिथि का चेक जारी करता है, बाद के बैंक की तिथि का जारी करता है, क्या चेक जारी करता है, तो इसमें इस किसने वर्णित किया था, ये किसने आपको वर्णित किया था, आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स,